अज दे स्टेटमेंट का मतलब यह है कि वह पार्टी बनाएंगे तो अपने कैंडिडेट उतारनगे और सिद्धू खिलाफ कोई जात कैंडिडेट थोड़ी खड़ा करनगे भी एक कैंडिडेट जाऊगा वह जाके सिद्धू के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ये सब तो वड्डा सवाल होएगा कि कांग्रेस चो कोई धड़ा कैप्टन ना खड़ा तो नहीं हो जाएगा। इन्हें रोकने लिए तो कोशिश गांधी परिवार ने शायद की हो पर रुकने वाला तो नहीं है। खुद भी खड़े हो सकते हैं कैप्टन? ये खुद मैनू नहीं लगता खुद खड़े हो इन्ना आपका करियर वो दात नहीं लाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई नवा अंत चाहते ने अपना ये अंत नहीं चाहते जिस तरह का अंत उन्होंने कांग्रेस ने किया। उन्होंने लगता कोई अजिहा अंत हो मेरा जिहड़ा पंजाब के इतिहास मेरा एक वर्ग उस तरह दर्ज हो ना कि यह हो कि कैप्टन होंगे सी तो एंड जाके मुख्यमंत्री के पद तो कांग्रेस ने उतार दिता। वो कांग्रेस को डराने वाली स्टेटमेंटा से वो सिद्धू नूं भड़काने वाली स्टेटमेंटा से सिद्धू भड़क के कुछ अजिहा बोले जिद सारे खिलारे पै जाए इधर उधर की बात ना करिए बता कि काफिला क्यों लुटा है ये स्टेटमेंट आदि रही सिद्धू की। हाईकमान बुला सकती है कैप्टन नूं जिस तरीके नाल तेवर नज़र आ रहे हैं कैप्टन दे? हाईकमान तो कोशिश बहुत की हाईकमान ने तो पहला भी कि कैप्टन शांत रहन पर वो पता ही सीगा। देखो वो उदन ही पता सी जिदन कैप्टन इंटरव्यू दे रहे सी उदन शायद उन्होंने वो रणनीति तैयार नहीं हुई सी कि करना की हैगा ता ही कह रहे सी थोड़ा वेट करो हुण उन्होंने तैयार कर लिया सारा कुछ कि करना की हैगा। अज दे स्टेटमेंट का मतलब यह है कि वह पार्टी बनाएंगे तो अपने कैंडिडेट उतारनगे। हुण कांग्रेस च उन्हां नाल कौन जांदा इह वड्डी गल होएगी जिवें हुण कैबिनेट चों ड्रॉप होणगे कि कैबिनेट मंत्री कि उह कैप्टन नाल चले जाणगे। इह सब तों वड्डा सवाल होएगा कि कांग्रेस चों कोई धड़ा कैप्टन नाल खड़ा तां नहीं हो जाएगा। कैप्टन दा इक धड़ा है आपां नूं सभ नूं पता कुछ एम पीज़ ने उहदे च प्रताप बाजवा ने उहदे च उह च गुरजीत औजला ने उह च राणा सोढी ने उह च साधु सिंह धर्मसोत ने गुरप्रीत कांगड़ नाल भी कैप्टन दी ठीक है है ना शाम सुंदर रोड़ा ये जिहड़े सारे पक्के बंदे से उन्होंने ज होर बहुत सारे जिहड़े प्लेयर उन्होंने एडवाइजर रहे ने हो रहे हैं वह भी उन्होंने जा सकते हैं। तो यह सारिया चर्चावान ने इन रोकने लिए तो कोशिश गांधी परिवार ने शायद की हो पर रुकने वाला तो नहीं है नहीं रुकेगा ये लगता नहीं है कि रुकेगा क्योंकि जे रोकना होंगे तो फिर कैप्टन ने स्टेटमेंट ना देंगे। ये तो अज की स्टेटमेंट ना तय हो गया कि कैप्टन नवी पार्टी बनाने जा रहे हैं होर सिद्धू खिलाफ कोई जात कैंडिडेट थोड़ी खड़ा करेंगे भी एक कैंडिडेट जाऊगा वो जाके सिद्धू के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ये तो पार्टी बनूगी ता ही कैंडिडेट होंगे ना ता ही सिद्धू के खिलाफ कोई तगड़ा कैंडिडेट वो कह रहे हैं। हुण पता नहीं कौन डिसाइड किया जो उन्होंने कहा मजबूत कैंडिडेट देवे सिद्धू खिलाफ कि खुद भी खड़े हो सकते हैं कैप्टन? ये खुद मैनू नहीं लगता खुद खड़े होंगे इन्ना आपका करियर वो दात नहीं लाएंगे। सिद्धू तो देखो कैप्टन के लिए बहुत यही जी ऑकवर्ड पोजिशन आ कि कैप्टन ने कदे सोचा नहीं होना सारी जिंदगी एक राज कीता होवे एक परिवार की लगेसी होवे और तुहाडा इसे करके वो अंत नहीं चाहते जिहड़ा उन्होंने हो गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई नवा अंत चाहते ने अपना यह अंत नहीं चाहते जिस तरह का अंत उन्होंने कांग्रेस ने किया। उन्होंने लगता कोई अजिहा अंत हो मेरा जिहड़ा पंजाब के इतिहास मेरा एक वर्ग उस तरह दर्ज हो ना कि यह हो कि कैप्टन होंगे सी तो एंड जाके मुख्यमंत्री के पद तो कांग्रेस ने उतार दिते। इस करके वह नवा अध्याय नवा चैप्टर लिखण की कोशिश कर रहे हैं सियासी तौर पर वो लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे तो समा दसेगा पर खुद वो आपदे आपदे इन्ना दाते नहीं ला देंगे कल चोण हार जाण। पहले तो कहते रहे कि पटियाले आके चोण लड़े दो बार उदों कहते रहे पर नहीं मैनू नहीं लगता कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ खुद चोण लड़नगे। वो सियासी स्टेटमेंटा से वो कांग्रेस को डराने वाली स्टेटमेंटा से वो सिद्धू को भड़काने वाली स्टेटमेंटा से भी सिद्धू भड़क के कुछ अजिहा बोले जिद सारे खिलारे पै जाए पर सिद्धू ने उदो संजम रख्या अपने तरीके का सिद्धू जवाब मांगते रहे कि बेअदबी का जवाब दो यदा जवाब दो मैं यदा जवाब इधर उधर की बात ना करिए बता कि काफिला क्यों लुटा है स्टेटमेंट आदि रही सिद्धू दी। इस करके सारिया चीज़ा ने देखते हूँ अगे की होंगे।